बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में रामू नाम के गरीब लकड़हारा रहता था। रामू के बड़े भैया और भाभी का सालों पहले देहांत हो गया था, जिस वजह से उनकी चार बेटियों को रामू पाल रहा था। रामू अपने भाई की बेटियों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन रामू की पत्नी कमला उन चारों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और हमेशा उन पर अत्याचार किया करती थी। फिर एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था, तभी अचानक वह देखता है कि नदी के ऊपर सोने और चांदी से बने दो बिल्ली घर तैर रहे हैं और दूसरी तरफ नदी के किनारे ढेर सारे जानवर खड़े हैं। फिर उन दोनों बिल्ली घरों के अंदर से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बाहर आने लगता है और सारे जानवर मजे से खाना खाने लगते हैं। यह सारा नजारा देख रामू को बड़ा आश्चर्य होता है। फिर थोड़ी देर के बाद खाना खाते ही सारे जानवर वहाँ से चले जाते हैं। अरे बाप रे, ये सोने और चांदी के बिल्ली घर यहाँ कैसे आ गए? ऐसा नजारा तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। फिर जिज्ञासावश रामू नदी के किनारे पहुंचकर सोने और चांदी के बिल्ली घर को देखने लगता है। तभी नदी के अंदर से एक बड़ा केकड़ा बाहर निकलकर रामू के सामने आ जाता है। उस केकड़े के शरीर का आकार रामू के जितना बड़ा था। हे भगवान, इतना बड़ा केकड़ा, कहीं ये मुझे मार के खा ना जाए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसके बाद रामू वहाँ से भागने लगता है, लेकिन केकड़ा उसे रोक लेता है। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक अच्छा जादुई केकड़ा हूँ, मैं सभी लोगों की मदद करता हूँ। तुम मुझे बहुत गरीब और परेशान लग रहे हो, मुझे अपनी परेशानी बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाँ, तुमने सही कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। शादी के लायक मेरे भाई की चार बेटियाँ हैं, बड़ी बेटी की शादी तय हो गई है, लेकिन लड़के वाले दहेज में बहुत पैसे मांग रहे हैं। मैं चाह कर भी दहेज के पैसे नहीं इकट्ठा कर पा रहा। देखो, मैं तुम्हें दहेज के पैसे दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें अपना एक हाथ मुझे देना होगा। यह सुनकर रामू घबरा जाता है, लेकिन वह अपने भाई की बेटियों से बहुत प्रेम करता था और उनका भविष्य अच्छा बनाना चाहता था, इसलिए वह केकड़े की बात मान लेता है। ठीक है, मैं तुम्हें अपना एक हाथ देने के लिए तैयार हूँ। फिर अगले ही पल केकड़े की आंखों से एक रोशनी प्रकट होती है और रामू का दाया हाथ उसके शरीर से अलग होकर हवा में उड़ता हुआ सोने की बिल्ली घर के अंदर चला जाता है। फिर अगले ही पल सोने की बिल्ली घर के अंदर से 2000 रुपए के नोट हवा में उड़ते हुए रामू के सामने आने लगते हैं। देखते ही देखते वहाँ पैसों का ढेर लग जाता है। मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं, अब तुम धूमधाम से अपने भाई की बेटियों की शादी करो। उसके बाद रामू केकड़े का शुक्रिया अदा कर सारे पैसे लेकर चला जाता है। अरे पापरी, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुमने कहीं डाका डाला है क्या? रामू अपनी पत्नी को सारी घटना के बारे में बता देता है। अब इन पैसों से मैं निर्मला की शादी बड़ी धूमधाम से करूँगा। तुम बेवकूफ हो क्या? मैं इन पैसों से उस कलमोही की शादी नहीं करने वाली। इन पैसों से तो मैं अपने लिए गहने और नई साड़ियाँ खरीदूंगी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। इन चारों लड़कियों का हमारे सिवा दुनिया में कोई नहीं है, हमें इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन रामू की पत्नी बहुत लालची थी, वह अपने भाई को घर बुलाकर सारे पैसे अपने मायके भिजवा देती है। अगले दिन रामू फिर से नदी के किनारे जाकर केकड़े से मदद मांगता है। ठीक है, मैं तुम्हें इस बार भी ढेर सारे पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें अपना बायां हाथ मुझे देना होगा। इस बात के लिए रामू तैयार हो जाता है। फिर अगले ही पल केकड़े की आंख से रोशनी प्रकट होती है और रामू का बायां हाथ उसके शरीर से अलग होकर हवा में उड़ता हुआ सोने की बिल्ली घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद सोने की बिल्ली घर के अंदर से ढेर सारे 2000 रुपए के नोट बाहर निकलकर रामू के सामने आ जाते हैं। अब इन पैसों को मैं अच्छी तरह छुपा कर रखूंगा ताकि मेरी लालची पत्नी को इस बारे में कुछ पता ना चले। उसके बाद रामू घर जाकर सारे पैसे छुपा देता है, लेकिन रामू की पत्नी बहुत चालाक थी, वह पैसों को ढूंढ लेती है और फिर से अपने भाई को बुलाकर सारे पैसे मायके भिजवा देती है। इस बात से रामू को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारे अंदर जरा भी दया भावना नहीं है, मैंने अपने दोनों हाथ गवाकर
इन लड़कियों के लिए दौलत इकट्ठा की थी, लेकिन तुम लालची औरत हो, तुमने सारे पैसे हड़प लिए। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। उसके बाद रामू अपने भाई की चारों बेटियों को लेकर नदी के किनारे केकड़े के पास पहुंच जाता है। मेरी लालची पत्नी ने सारे पैसे ले लिए, अब इन चारों बेटियों के भविष्य के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची। तुम मेरे दोनों हाथ पहले ही ले चुके हो, इस बार तो मुझे जान से मार दो, लेकिन इन चारों के लिए इतनी दौलत दे दो कि इनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। रामू, तुम दूसरों की मदद करने वाले एक बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी अच्छाई का इनाम दूंगा। उसके बाद वह केकड़ा रामू के शरीर में उसके दोनों हाथ प्रकट कर देता है। फिर सोने की बिल्ली घर से ढेर सारे 2000 रुपए के नोट बाहर निकलकर रामू के सामने आ जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं शहर जाकर इन चारों की अच्छी तरह परवरिश करूंगा। उसके बाद रामू वहां से चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रामू की पत्नी और उसका भाई दोनों छुपकर यह सब देख लेते हैं। अरे वाह दीदी, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, चलो इस केकड़े को जाल में पकड़कर अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसके बाद इन दोनों सोने और चांदी की बिल्ली घर से हम ढेर सारी दौलत हासिल कर लेंगे। फिर अगले दिन वह दोनों एक बहुत बड़ा और मजबूत जाल लेकर नदी के किनारे आ जाते हैं। उस समय केकड़ा नदी के किनारे मजे से खाना खा रहा था। तभी रामू की पत्नी अपने भाई के साथ मिलकर केकड़े के ऊपर जाल फेंक कर उसे पकड़ लेती है। ये देख, मेरे हाथ में जलती हुई मशाल है, अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो हमें सारी दौलत दे दे। हाँ, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुझे जान से मार देंगे। ठीक है, तुम दोनों को दौलत चाहिए ना, तुम दोनों चांदी की बिल्ली घर के अंदर चले जाओ, वहाँ तुम्हें ढेर सारी दौलत मिलेगी। फिर अगले ही पल चांदी की बिल्ली घर के अंदर से एक बड़ी सी सीढ़ी बाहर निकल आती है। फिर वह दोनों सीढ़ी चढ़कर घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उस घर के अंदर ढेर सारी काली बिल्लियां बैठी हुई थी। वह सभी बिल्लियां रामू की पत्नी और उसके भाई के ऊपर हमला कर देती है। अरे मार का यार ने, अरे कोई बचाओ मुझे, आए कोई मेरी मदद करो। हाय, मुझे बिल्लियों ने काट लिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई मेरी मदद करो। फिर अचानक उन दोनों के शरीर में आग लग जाती है और देखते ही देखते वह दोनों जलकर राख के ढेर में बदल जाते हैं। इस तरह उन दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ रामू अपने भाई की चारों बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से करके उन्हें उनके ससुराल विदा कर देता है।